लगातार बढ़ते कोरोना प्रकोप के बीच लोग जहां एक ओर ऑक्सीजन की कमी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगने वाले अन्य सर्जिकल आइटम भी अब बाजारों में उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते लोग परेशान होने को मजबूर हैं। देखिए यह रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जहां मरीजों के परिजन खुद ही ऑक्सीजन की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब सिलेंडर में लगने वाले फ्लोमीटर और मास्क के साथ साथ अन्य सामग्री के लिए भी परिजन परेशान हो रहे हैं। सर्जिकल आइटम के व्यापारियों की माने तो चाइना में मेडिकल उपकरण पर लगी रोक के कारण आपूर्ति कम हो गई है, जबकि डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी सभी चीजों का शॉर्टेज चल रहा है सर। अभी फ्लो मीटर सबसे ज़्यादा लोग परेशान फ्लो मीटर से हो रहे हैं। कोई लोग सिलेंडर की व्यवस्था कर लेते तो उनको फ्लो मीटर नहीं मिल पाता है। फ्लो मीटर नहीं मिलने से सिलेंडर कोई काम का नहीं है। फ्लो मीटर मतलब इंदौर के काफ़ी हद तक लोग फ्लो मीटर के कारण ही परेशान है। मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं हो सर। दाम तो ठीक है, हर आदमी दाम देने के लिए, कोई पेमेंट वाली बात नहीं है, पैसा हर आदमी देने को तैयार है, पर माल भी नहीं है, अवेलेबल है ना मार्केट में। पहले सर 500-600 रुपये का आइटम था ये, अभी सर 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में भी कहीं भी माल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। कॉन्सेंट्रेटर का भी बहुत शॉर्टेज आ रहा है, अभी चाइना से भी सब फ्लाइट्स रुकने के कारण अभी माल कहीं भी अवेलेबल नहीं है इंदौर शहर में कुछ भी सर। अभी 10-15 दिन तो और सर ये स्थिति बनी रहेगी अभी, क्योंकि मार्केट में कुछ भी माल है नहीं सर। ऑक्सीमीटर भी पूरे मार्केट से शॉर्ट है सर, बहुत महंगा है सर। जो लोकल माल पहले चल रहा था वो अभी 2,000-2,000 रुपये का हो चुका है सर। वो सर डिमांड बढ़ने के कारण शॉर्टेज हो गए ना। मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं कर पा रहा है, और फ्लो मीटर का जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कर नहीं पा रहे हैं, तो मार्केट में माल अवेलेबल हो नहीं पा रहा है। अब दिल्ली का क्या सीन है सर, वो अपने को कोई आइडिया नहीं है। उधर माल सब दिल्ली से ही आता है, उधर से ही आता है, फ्लो मीटर्स वगैरह सब वहीं से आते हैं। परेशानी तो सर फ्लो मीटर का हर आदमी परेशान है, आप भी देखते ही हो सर, यहाँ 5 मिनट खड़े होकर देखो आपको मालूम पड़ जाएगी स्थिति से। दवा बाजार की हाल यह है कि यहाँ अधिकतर दुकानों पर फ्लोमीटर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यहाँ स्थित अधिकतर दुकानों के बाहर फ्लोमीटर नहीं होने के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि आखिर कब तक मरीजों के परिजनों को इस समस्या से निजात मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।